दूसरी तरफ मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी बात हो रही थी, एक छोटी सी फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति है, उन्होंने सुबह बोला कि जीएसटी जीएसटी, निर्मला जी का कल मैं भाषण सुन रही थी कि उन्होंने बोला कि लगभग 1,45,00,000 करोड़ जीएसटी समथिंग, मेरे आंकड़े गलत हो सकते हैं, कि इस बार भी हमने जीएसटी से पाया। मैं मंत्री साहब से पूछना चाहूंगी, आप जीएसटी तो पा रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, विद इन मंथ उनको ब्याज, बैंक का ब्याज भी देना पड़ता है, जीएसटी भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, 15 दिन के अंदर अगर वो नहीं देंगे तो आप पेनल्टी लगाते हैं, लेकिन उनका जीएसटी का इनपुट आपको कितने दिन में देना था? एक एक साल लगाकर आप उनका इनपुट नहीं देते हैं, क्या खरबों रुपए आप उनके इनपुट से बना के क्या सरकार पूरे देश को उसी इनपुट से चला रही है क्या? तीसरी बात, मैं एक बच्चे से मिली, 16-17 साल के बच्चे से, आप जीएसटी लगा रहे हैं 5%, आप जीएसटी लगा रहे हैं 12-18%, दोनों ही जीएसटी में आम आदमी मरता है। किसी ने बोला कि 5% जीएसटी से किसको फर्क पड़ेगा, पड़ता है। जो व्यक्ति वृद्धा पेंशन 500 रुपए के लिए 8 घंटे लाइनों में खड़ा होता है, पूरा महीना चलाता है, अगर उसको 5% जीएसटी लगता है तो फर्क पड़ता है। आप कहते हैं कि नहीं, खुला जो गरीब है वो खुले का खाता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे पूछती हूं कि क्या आप चाहते हैं जिंदगी भर वो गरीब ठेले में मक्खी लगता हुआ खाना ही खाता रहे? क्या उसका हक नहीं है कि वो पैकिंग खाने को खाए? क्या उसका नहीं हक है स्वस्थ खाना खाए? प्लीज सर, 2-3 मिनट, स्वस्थ खाना खाए। दूसरी तरफ आप ये बताइए, टेट्रा पैक में जो 10 से 12 रुपए की लस्सी, छाछ, दूध, दही, हम सब बच्चे स्कूल से आते हैं तो जाके किसी भी एमडीएमसी के एमडीसी के उससे छाछ लेते हैं, तो क्या उसमें आप 12-18% जो लगा रहे हैं वो क्या गरीब अमीर खाता है? क्या किसी करोड़पति का बच्चा वो टेट्रा वाली लस्सी पीता है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि 12-18 करनी है? मुझे एक बच्चा बोल रहा था कि मैडम आप लोग सदन में बोलते हैं, आपने ज्यादा समय दिया, थैंक यू सर, प्लीज सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, प्लीज एक मिनट सर, प्लीज सर 2 मिनट, डॉक्टर फौजिया खान, प्लीज 2 मिनट, डॉक्टर फौजिया खान, प्लीज 2 मिनट, 2 मिनट एक्स्ट्रा दिया मैंने आपको, आपने आप पॉलिटिकल सवाल उसमें बह गए तो मैं क्या करूं सर? कंक्लूड कंक्लूड करिए। उसने बोला कि आप बताते क्यों नहीं है, स्कूटी से जाए तो तेल महंगा, एक टेट्रा का 10 रुपए का जूस पिए तो वो महंगा, स्कूल में जाए तो पेंसिल, रबर, इरेजर, कटर महंगा, तो आदमी जाए तो कहां जाए? एक तरफ आप नोट कोविड में 23 करोड़ को गरीबी रेखा में लेके आ गए, 98% लोग की सारी आमदनी घट गई। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूं, बार बार लोग कह रहे थे कि रुपया गिर रहा है, देश की आबरू जा रही है, आबरू जा रही है, मनमोहन सिंह जी ने आपने पूछा था और मनमोहन सिंह जी ने बोला, उस वक्त भी कुछ नहीं था लेकिन 59 से 69 हुआ और विद इन 4 मंथ में दोबारा 59 में लेकर आ गए थे, क्या आप लेकर आएंगे? डॉक्टर फौजिया खान, मैं आग्रह करती हूँ कि प्लीज, जहाँ पर कांग्रेस इस देश की आर्थिक स्थिति को छोड़ के गई थी।